हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस विद लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप फेक आईलैशेस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देख सकते हैं, मैंने ये फेक आईलैशेस ली हैं और ये मैंने 50 रुपये की परचेस की है कॉस्मेटिक शॉप से, और इसके साथ ही मैंने एक ग्लू भी परचेस किया है। सो इसमें आप देख रहे हैं एक ग्लू है, मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये वाला ग्लू यूज़ करने वाली हूँ। सो जहाँ से आप आईलैशेस परचेस करेंगे आपको वहाँ पर ग्लू भी मिल जाएगा। एंड मैंने ये ग्लू जो है ये मैंने 100 रुपये का परचेस किया है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 7 ग्राम है और ये हुड्डा ब्यूटी का है। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये फेक आईलैशेस को इस तरीके से ले लिया है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये वाला ग्लू यूज़ नहीं करूँगी। सो इस तरीके से मैं इसे अलग निकाल कर रख दूँगी, और बाकी जो ये आईलैशेस हैं मैं इनको बहुत ही सेफली तरीके से एक एक करके अपने हैंड पर लगा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इधर उधर हो जाती है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे हैंड पर चिपका लूँगी। एंड गर्ल्स, आई लैशेस को अप्लाई करने से पहले आपको आई मेकअप कर लेना है, जैसे कि आपको कंसीलर आई शेडो वगैरह अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप आई मेकअप कंप्लीट करें, उसके बाद ही आई लैशेस को अप्लाई करें। सो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको आई लैशेस को अपनी आईज़ पर रखना है और चेक करना है कि क्या ये आपकी आईज़ की साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है या फिर बड़ी है। सो आई लैशेस के जो ऑलमोस्ट सारे साइज़ होते हैं वो बड़े ही होते हैं। सो अगर ये बड़ी हैं तो आपको इसे कॉर्नर से कट करना है। सो ये मैंने ऑलरेडी कट कर रखी हैं, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट कर रही हूँ जिससे ये थोड़ी सी लूजनप हो जाए, और उसके बाद आपको आई लैशेस पर ग्लू को अप्लाई करना है। सो मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू को अप्लाई करूँगी, तो आपको इनर और आउट ऑफ कॉर्नर पर ग्लू को अच्छे से अप्लाई करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ग्लू को अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, आई लैशेस को होल्ड करने के लिए यानी अप्लाई करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी प्लकर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से अप्लाई करूँगी। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्लू को अप्लाई कर लिया है, और 30 सेकेंड के बाद जब ये स्टिकी हो जाती है थोड़ी सी ग्लू, उसके बाद मैं इसे अपनी आई लैशेस के ऊपर इस तरीके से रख रही हूँ। सो इसके बाद ये थोड़ी सी स्टिकी होने के बाद खुद ही अपने आप ही सेट हो जाती है अपनी जगह पर। सो इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा बस पुश करना है और उसके बाद ये अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगी। एंड आई लैशेस अप्लाई करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपको आई लैशेस आपकी आईज़ की नेचुरल लैश लाइन के जस्ट ऊपर ही लगाना है, स्किन पर अप्लाई नहीं करना है, वरना जो आपकी आई लैशेस है वो फेक लगेंगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत ही केयरफुली सेट कर रही हूँ, और इसके साथ ही आप किसी चिमटी या प्लकर की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप मैं दूसरी आईज़ में भी इस आई लैशेस को अप्लाई कर लूँगी। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही आईज़ में आईलैशेस को अप्लाई कर लिया है बहुत ही केयरफुली, और इसके बाद मैं ग्लू को हाइड करने के लिए मैं इसके ऊपर आईलाइनर को इस तरीके से अप्लाई करूँगी जिससे जो आपका ग्लू है अगर दिख रहा है तो वो अच्छे से हाइड हो जाएगा। सो इसके बाद आप एक बार दोबारा से आईलाइनर को अप्लाई करें। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी आपकी आईलैशेस, बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगी और बिल्कुल रियल लगेगी। और आई लैशेस अप्लाई करने का एक फ़ायदा और भी है इससे आपकी आँखें जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ, इससे मेरी आँखें और भी ब्यूटीफुल लगेंगी। और आप आईलैशेस पे मस्कारा भी कोट कर सकते हैं, इससे आपकी आँखें बिल्कुल और भी नेचुरल लगेंगी, लेकिन मैंने नहीं किया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काजल को भी अप्लाई कर लिया है दोनों ही आईज़ में। फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं मैंने आई लैशेस को बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई कर लिया है। सो आई होप गाइज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।